नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से टुडेज न्यूज पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश की 20 बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही गरमाया सियासी माहौल, शिवराज कमलनाथ ने दी प्रतिक्रिया। भूमि पूजन को लेकर भिड़े कांग्रेसी और भाजपाई, पूर्व विधायक ने किया बीच बचाओ। चुनाव के बाद होगी कर्ज माफी के मैसेज से कटघरे में कांग्रेस, बीजेपी ने उठाए सवाल। आचार संहिता लागू होते ही बीजेपी नेता पर गिरी गाज, 21,000 का कटा चालान। लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस में बड़ा बदलाव, कई पदाधिकारियों के पद और स्थान बदले। तबादलों को लेकर सरकार पर उठे सवाल, चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों को भी बदला। शिवराज बोले, एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों का नाम लिया तो घर जाकर नहाना पड़ेगा। रीवा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुंदरलाल तिवारी का निधन। स्वच्छता अभियान, देशवासी आगे आए तो खिलखिलाई सफलता, सफाई के प्रति आई जागरूकता। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में डाले जाएंगे वोट, आचार संहिता लागू। लूट की नीयत से बदमाशों ने युवक पर चलाई गोली, कंधे को भेदते हुए निकली। अमित शाह का 7.5 घंटे तक संघ से मंथन, चुनाव के लिए समर्थन मांगा। संघ ने कहा कि राम मंदिर जगह तय और निश्चित प्रारूप में ही बनेगा, इस पर कोई समझौता नहीं। लोकसभा चुनाव के ऐलान से कुछ देर पहले बसपा के 10 नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। ग्वालियर में 3 दिवसीय बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सबरीमाला मामले में प्रस्ताव किया पारित। आरएसएस देश के ग्रामीण इलाकों में भी अपने संगठन को और मजबूत करेगा। आज आ सकती है मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस का वचन पत्र जारी, किसानों बेरोजगारों को साधने की कोशिश। मध्य प्रदेश सरकार ने नदी ट्रस्ट के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा को बनाया। मध्य प्रदेश के आदमी को आयकर आरटीआई क्वेरी के जवाब के रूप में 3,000 पत्र मिलते हैं। मध्य प्रदेश की 20 बड़ी खबरें बस यहीं तक। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।